राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र एक ऐसा प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रशिक्षण का एक प्रचंड प्रयोग जिसमें न कुछ खिलाना है, न कुछ पिलाना है, न फेंकना है, न लगाना है। एक छोटी सी गोली, एक छोटा सा टैबलेट आप अपने मुख में रख करके जिसके भी सामने जाएंगे, जिससे भी वार्तालाप कर लेंगे, कुछ भी बातें कर लेंगे, वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगा। जी हाँ, एक प्रचंड प्रयोग जिसमें अपने मुख में रख करके जिससे भी आप संवाद करेंगे, जिससे भी बात करेंगे, जिससे बोलेंगे, वह तुरंत ही आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के प्रति यदि आपके मन में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अपने इष्ट और अपने गुरुदेव के प्रति आपके मन में कोई आस्था नहीं है तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, यदि आपके भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव का अभाव है तो भी आपको विलंब से सफलता मिलेगी। अतः आवश्यकता है अपने एनर्जी को रीड करा करके या स्वयं रीड करके अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को जानना है। यदि आपको लगता है कि आपके भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव में कमी है तो कुछ छोटी छोटी साधनाएं जो अपने घर बैठे ही हमारे माध्यम से सीख सकते हैं और अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बढ़ा सकते हैं, उसके बाद किसी प्रयोग में आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है। मगर यहाँ पर जो प्रयोग लेकर के आया हूँ, इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका को आप अपने वशीकरण पास में बांध सकते हैं और यह प्रयोग कोई भी कर सकता है। कोई बालक, कोई बालिका, कोई युवती, स्त्री, पुरुष, कोई भी फीमेल या गर्ल या जेंट्स, कोई भी करेगा उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मगर इस प्रयोग का दुरुपयोग कदापि ना करें। जहाँ इसका सदुपयोग हो वहीं उपयोग में लाएं, जहाँ दुरुपयोग हो इसका प्रयोग करते ही ना। इस प्रयोग में दो चीज़ों की आवश्यकता है, देवदाली और सरसों। ये दोनों बाजार में मिल जाता है, लेते आइएगा। उन दोनों को पीस करके बहुत छोटा सा बारीक गोली बना लीजिए। यह करने के बाद अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट कर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। आपने दोनों को बारीक रूप से पीस करके छोटी छोटी तमाम गोलियाँ बना ली है और कहीं रख दीजिएगा। और आप ये चाहते हैं कि मुझे फला को बस में करना है तो जो ही आप उसके सामने जाएं, एक छोटी सी गोली अपने मुख में लें, कोई भी बात उससे करिए, कोई हालचाल पूछिए, कुछ भी करिए और अपने मन में भाव रखिए कि वो आपके बस में हो जाए, तो वह तुरंत आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंद जाएगा या बंद जाएगा। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएँ हैं तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए और सत्ता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।